ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी क्या है सर गोल्ड में, एक बार मेरे को गोल्ड और सिल्वर दोनों में बता दीजिए। हमने देखा कि लास्ट वीक हमने काफी ज्यादा वोलेटाइजेशन देखने को मिला, जहां पे हमने गोल्ड और सिल्वर को एक बॉटम बनते हुए देखे, बट वीकली बेसिस पे देखे तो गोल्ड 1680 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया और सिल्वर जो है दैट इज द $18 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया वीकली बेसिस पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। और उसके बाद हमने जो आज सिल्वर के अंदर शानदार तेजी बनते हुए देखी है, तो इसके वजह से हमें लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल दोनों में आते हुए देख सकते हैं। हालांकि जो जंप है वो एक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 20 और 21 सितंबर को फेड का मीटिंग्स रहेंगे और आउटकम आने के चांसेस आउटकम आते हुए देखेंगे, तो उसके वजह से उस सप्ताह में हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में अप ट्रेंड में थोड़ा कैप लगते हुए दिखेगा। बट ये अब एक कंफर्मेशन मिलती हुई दिख रही है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों, गोल्ड 1680 एंड सिल्वर $18 के बिलो सस्टेन नहीं हो पाएंगी, एक बेस बना चुकी है दोनों ने। तो हमें लगता है कि आज के सेशन की बात करें तो आज में हमें लगता है इवनिंग सेशन में जिस हिसाब से यूएस के इन्फ्लेशन के डाटा आने वाले हैं तो उसके वजह से कंसर्न बना हुआ रहेगा। कल की 5% की सिल्वर की तेजी के बाद हमने देखा कि $20 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई इंटरनेशनल मार्केट में। इंडियन मार्केट की भी बात करें तो 58,000 एक हर्डल का हर्डल बना हुआ है, तो उसके वजह से इवनिंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि सिल्वर कल के इसमें से ₹500 इंटर एमसीएस में डाउन दिखा रही है, बट हमें लगता है कि ऊपर में 57,500 58,000 के नियर बाय मिलती है, जो कि हमें लगता है कि आज दोपहर के समय मिल सकती है, तो वहां पे एक दिक्वाली का पोजीशन बना सकते हैं। बट ये जो सेलिंग पोजीशन है ये शॉर्ट टर्म रहेंगी, जो कि हमें नीचे में 5,600 और 5,500 तक के लेवल दिखा सकती है आज इवनिंग सेशन में। तो आफ्टरनून के समय में हमें सेल ऑन जंप की रणनीति सिल्वर में रखना है, बट एक चीज ध्यान रखें, जहां पे भी 58,200 के ऊपर सिल्वर सस्टेन हो जाती है तो एग्जिट पोजीशन काट लीजिए। ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बाइंग पोजीशन में आ चुके हैं। वहीं पे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फ्यूचर 50,340-350 के आसपास नियर बाय चलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 50,100 तक के लेवल आज के सेशन में देखने को मिलेंगे, बट दैट इज द गुड लेवल कि वहां पे आप बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है। लास्ट भी हम याद होंगे आपको कि हमने आपके प्रोग्राम में कहा था कि 50,000 एक अच्छा लेवल है जहां पे इनिशिएटिव किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 49,700। जब तक 49,700 ब्रेक नहीं करता है गोल्ड में बड़ा फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ऊपर में जो है 50,500 50,800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए भी रणनीति यही रहेगी। इवनिंग सेशन में यूएस के इन्फ्लेशन डाटा के बाद हमें लगता है कि एक जंप एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो 50,100 के आसपास में गोल्ड में लेके चलना चाहिए। जी, तो ये हुआ गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रेटेजी जो कि राहुल सर ने बता दिया।